सी असेंबली आप जो आप परचेज करके आए हो, जेन्युइन लेके आए हो या डुप्लीकेट लेके आए हो, ठीक है गाइस। है। इसका ऑयल देखो कितना अलग ही ग्लोज कर रहा है, और इसका ऑयल देखो आप मतलब कुछ वर्ड्स होते तो बता नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, तो आप समझ रहे होगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे मैकेनिक लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कई मैकेनिक होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है। कस्टमर तो देखो यहीं तक ही देखेगा, मैकेनिक के लिए आई वीडियो, जहाँ तक आगे मैं बना रहा हूँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक ऑटोमोटिव पार्ट, जिसमें आप जानते हो अपने बाइक से रिलेटेड हर एक स्पेयर पार्ट्स के बारे में। बेसिकली हम इस चैनल पे हम जनरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बंदों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर मुझे जेनवन और डुप्लीकेट की वीडियो बना के दिखाओ कि हमारी जो असेंबली होती है बजाज अपना हीरो की स्प्लेंडर की असेंबली, उसमें हम कैसे हम पता लगा पाए कि जेनवन है और डुप्लीकेट है, कौन सी हमें पता कैसे लगेगा। तो हमने वही क्वेश्चंस आप सबके लिए क्लियर करने के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। तो गाइस आज हम बात करेंगे क्लच असेंबली एच एफ डिलक्स, पैशन प्लस, पैशन प्रो, सी डिलक्स, एच एफ डिलक्स, स्प्लेंडर 100 सीसी, जितनी भी 100 सीसी की हीरो की बाइक्स है उन सब में लगती है 100 100 सीसी की बाइक्स में क्लच असेंबली हीरो की। तो गाइस हम आज इन दो में से किसी एक के जो है मेरे हाथ में डुप्लीकेट है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सी असेंबली जेनवन है, कौन सी डुप्लीकेट है, ठीक है गाइस। इसकी MRP 1145 रुपये MRP है, हीरो जेनवन की असेंबली की MRP। दोनों सब कुछ सेम है, बॉक्स वॉक्स सब कुछ सेम है, बाकी अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि जेनवन कौन सी, डुप्लीकेट कौन सी है। और गाइस हाँ, मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि कोई भी कंपनी होती है वो खुद से उनकी खुद की नहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कंपनी बाहर से लेती है और आपको वही अपने बॉक्स में डाल के दे देती है, ठीक है, अपने बस स्टैंप लगा देती है और वही आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम इसका वो वाला भी बताएंगे कि कौन सी कंपनी की सप्लाई जा रही है और उस कंपनी के नाम से लेने पे आपको कितना डिफरेंस आ जाएगा, कम से कम 400 का डिफरेंस आ जाएगा, 400 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा कि आप उस कंपनी के ले सकते हो जिस कंपनी के साथ निकलेगी असेंबली, वो हम आपको एंड में बताएंगे। और हाँ, अगर आपको ये असेंबली बाय करनी हो तो नीचे मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखना, जब भी आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि कौन सी असेंबली आप जो आप परचेज करके आए हो, जेन्युइन लेके आए हो या डुप्लीकेट लेके आए हो, ठीक है गाइस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो ये हमारी है क्लच असेंबली स्प्लेंडर प्लस, एच एफ डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस प्रो, सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट, सबकी एक ही असेंबली होती है हमारी। सी डिलक्स, एच एफ डिलक्स, ऑल मॉडल्स की एक ही असेंबली होती है, तो ये हमारी जेन्युइन असेंबली है या नहीं है वो आप बताओगे मुझे, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर है। हमारी बेसिकली वीडियो आज यही है कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी डुप्लीकेट है। हम कभी कभी एक अच्छे बंदे को भी नहीं पता चल पाता कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी डुप्लीकेट, तो आज हम आपको वही क्लियर करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो एक बार हम इसे खोल कर देखते हैं। जेन्युइन असेंबली है, ठीक है हमारी, तो ये हमारी असेंबली है। KST पार्ट नंबर, इसकी लिफ्टर प्लेट पे KST लिखा होता है, और RA183 इसकी ये स्टैंप होती है, ठीक है गाइस। और इसमें हमारी फोर पीस क्लच प्लेट होगी और 3 पीस प्रेशर प्लेट होगी, ठीक है गाइस। और अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारी जो स्टैंप है, हीरो की स्टैंप आपको दिख सकती है, हीरो की स्टैंप भी है इसके अंदर, ठीक है गाइस। और जेनवन जेनवन का माल इन्होंने डाल रखा है, जेनवन का, ठीक है गाइस। अब जानते हैं ये वाली असेंबली, ये असेंबली दोनों का पार्ट नंबर सेम है, अगर इसको अगर हम साइड में रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर असेंबली भी है, अभी मैं आपको इसको भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। दोनों का पार्ट नंबर आप देखो, K2225x2 HF100DS, ये हमारी 2022 नवंबर की है, तो ये हमारी 2022 सितंबर की है, ठीक है। तो अब आप भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि अभी जो मैं आपको ये बता रहा था जेनवन बता रहा था, और ये वाली मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ ये भी जेनवन है। अब आप भी सोच रहे हो कौन सी जेनवन है दोनों में से, मैं दोनों जेनवन बता रहा हूँ जबकि दोनों में से एक डुप्लीकेट है। आप खुद सोच रहे हो कि कौन सी जेनवन है कौन सी डुप्लीकेट है, वो अभी मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। एक बार हम इसे खोल कर देखते हैं, ठीक है गाइस। तो इसे हम एक बार अनबॉक्स करते हैं और एक बार चेकआउट करते हैं इसको भी। तो ये देखो, ये हमारी असेंबली निकल के आई है। इनकी पैकेजिंग देखो, पैकेजिंग देखो, पैकेजिंग ये इसकी पैकेजिंग थी, और ये जो पैकेजिंग है वो इसकी है, ठीक है, हमारी नवंबर वाले की, ठीक है। और इस बॉक्स का डिफरेंस देखो आप, वीडियो लंबी ज़रूर है बट आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है। आप ये भी देखो ना, ये देखो इस बॉक्स का क्वालिटी का फर्क देखो, क्वालिटी का फर्क आपको वीडियो में ही क्वालिटी का फर्क दिख रहा है, और एक्चुअल में तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी जेनवन है कौन सी डुप्लीकेट है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मैं ये वाली डाल देता हूँ, लोकल वाले इसमें डाल देता हूँ, तो आप क्या बॉक्स को देख के लोगे नहीं ना, अंदर की क्वालिटी तो देखी जाती है ना, तो अंदर की क्वालिटी भी हम आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलो तो फिर हम एक बार इसको भी एक बार अनबॉक्स कर देखते हैं, अनपैक करते हैं। ये देखो, ये हमारी जेनवन असेंबली निकल के आई है। अब आप बोलोगे मैं इसे भी जेनवन कह रहा हूँ, तो इसे भी जेनवन कह रहा हूँ। अब आप मेरे हाथ में देखो, इसका जो वेट है, लिटरली इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है,
इस वाली असेंबली से, ठीक है। प्लस इसमें यार स्टैम्प देखो, ये वाली स्टैम्प आप देख रहे हो, ये स्टैम्प आप मिटा ही नहीं सकते, ये कंपनी की स्टैम्प है, आप पेट्रोल डाल लो कुछ भी कर लो, ये स्टैम्प नहीं मिट सकती। अगर इस स्टैम्प मिट गई तो समझ जाओ कि डाउटफुल है, मतलब ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो मिट जाएगी, बट ऐसे नहीं मिटेगी ना, कोई पक्की कच्ची स्टैम्प नहीं है ये, ठीक है। पहले पहला हमारा ये आइडेंटिफाई करने का पॉइंट ये है। सेकेंड ये देखो इसकी और इसकी क्वालिटी देखो आप, इसकी तो फिनिशिंग है और इसकी फिनिशिंग देखो आप, कितना ऑफ डिफरेंस है दोनों में से, ठीक है। और इसके जो नट बोल्ट है, जो ये हमारा बोल्ट है, ये कभी भी आपको अलग से बोल्ट नहीं मिल सकता ये इजिली। जो बंदा इसको बना रहा है ना, वो ये वाला बोल्ट परचेस कर ही नहीं पाएगा इजिली, कर सकता है बट इजिली नहीं हो सकता चेंज, ये परचेस कर सकता। ये बोल्ट की जो फिनिशिंग है ये जेन्युइन है, बोल्ट कंपनी जेन्युइन लगा हुआ है, इस पर मार्क भी है IOS का, ठीक है। और सेकंड चीज़ देखो KST पार्ट नंबर, इन्होंने देखो यहाँ पे कोई KST पार्ट नंबर नहीं है अपना, मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है RA183, तो यहीं से पता लग रहा है, ठीक है गाइस। अब हम साइड की बात करते हैं, तो साइड की देखो क्वालिटी देखो, इसका जो हमारी जो ये ऑयल डीप है, इसका ऑयल देखो कितना अलग ही ग्लोज कर रहा है, और इसका ऑयल देखो आप मतलब कुछ वर्ड्स होते तो बता नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, तो आप समझ रहे होगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से शिफ्ट करें तो देखो गाइस यहाँ की फिनिशिंग देखो, दोनों में से इसकी फिनिशिंग देखो, ये डुप्लीकेट है मेरे हाथ में, ये डुप्लीकेट है, ये जेन्युइन मेरे हाथ में है, ये 90, 110% जेन्युइन है ये, और ये डुप्लीकेट है, ठीक है गाइस। ये तो हमारी होगी बाहर से, अब हम आपको इसको खोल के भी दिखाने वाले हैं, इसको भी खोल के दिखाएंगे और इसको भी खोल के दिखाएंगे। तो ये हमारी डुप्लीकेट वाली, हम इसको एक बार खोल के देख रहे हैं, अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि अंदर क्या क्वालिटी डल रही है, क्या डाल रहे हैं ये जो डुप्लीकेट बोल के डुप्लीकेट चीज़ों के आगे बेच रहे हैं, ठीक है गाइस। हम एक बार ये भी दिखा देते हैं, हम बोल रहा हूँ, ठीक है। स्प्रिंग की क्वालिटी भी कितनी बकवास है यार, किसने बनाई है असेंबली यार, बेचारा जो भी डलवाएगा गाड़ी हफ्ते के अंदर फूट जाएगी क्लच प्लेट में उसकी। ये हमारा डुप्लीकेट हब है गाइस, ठीक है। ये हमारी क्लच प्लेट डली हुई है, ये हमारी प्रेशर प्लेट डली हुई है, हीरो की स्टैंप है, काफ़ी अच्छी कॉपी कर रखी है उन्होंने, काफ़ी अच्छी कॉपी कर रखी है, हीरो की स्टैंप है, ठीक है। चलो इसको हम रखते हैं साइड में, अब हम दूसरी वाली को एक बार, ये हमारी जो है ये हमारी हमारी जेन्युइन है, एक बार हम इसको खोल कर देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि इन्होंने कितनी कॉपी कर रखी है इस चीज़ की, ठीक है गाइस। हो गया, तो गाइस अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखनी है, जेन्युइन वर्सेस डुप्लीकेट सब्स्टिट्यूट को लेकर, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ी में, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा आपकी टू व्हीलर लाइन में आपके पास कोई भी व्हीकल हो, कुछ भी, स्कूटी से लेके बाइक तक, स्कूटर तक के हमारे को हम पार्ट्स में डील करते हैं, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करनी हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कुछ भी अगर सजेशन डालना हो, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो गाइस ये हमारी लगभग खुल चुकी है असेंबली, हमारी जेन्युइन वाली भी, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन दोनों के अंदर से क्या डिफरेंस है। ये हमारे मैकेनिक लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कई मैकेनिक होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, कस्टमर तो देखो यहीं तक ही देखेगा, मैकेनिक के लिए आई वीडियो, जहाँ तक आगे मैं बना रहा हूँ तो अब मैकेनिक नोटिस कर लेगा ना इसमें क्या चीज़ जेन्युइन और इसमें क्या। अब देखो हम पहले लिफ्टर प्लेट से शुरुआत करते हैं, तो आप देखो लिफ्टर प्लेट की क्वालिटी देखो, वीडियो में आप मेरे ख्याल इतना नहीं देख पा रहे होगे जितना आप एक्चुअल में देख पाओगे, बट आपको फिर भी दिखाई दे रहा होगा कि किसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है। ये देखो अंदर से देखो ना प्रीमियम क्वालिटी देखो, ये देखो इसका बॉक्स देखो और इसका बॉक्स देखो कितना छोटा बड़ा है, मतलब आपको एक डुप्लीकेट की पहचान बता रहा हूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे बड़े से, बट एक डुप्लीकेट की पहचान बता रहा हूँ आपको, जेन्युइन कंपनी ऐसे देती है लिफ्ट प्लेट और डुप्लीकेट में देखो ऐसे आती है, ठीक है। इसको हम रखते हैं साइड में, और ये देखो स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग की क्वालिटी देखो, जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है, देखो छोटे बड़े का फर्क आ गया ना, देख रहे हो छोटे बड़े का फर्क आ रहा है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम कोई कॉपी नहीं कर सकता किसी चीज़ की। बोल्ट देखो, बोल्ट देखो कौन सा जेन्युइन है कौन सा डुप्लीकेट है, ये देखो ये जेन्युइन बोल्ट है हमारा, राइट लेफ्ट होगा, ये जो मेरे राइट हैंड साइड में है ये वाला जेन्युइन बोल्ट है, जो मेरे राइट हैंड साइड में है ये हमारा जेन्युइन बोल्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डुप्लीकेट बोल्ट है। चलो स्प्रिंग भी रखते हैं हम साइड में,
तो गाइस अब देखो आप, ये देखो अब मैं एक बार इसको अनपैक करता हूँ। ये देखो ये हमारा सेंटर आ गया निकल के, ठीक है ये हमारा सेंटर आ गया। और ये देखो ये हमारा सेंटर है, देखो कहाँ तक इन्होंने कॉपी कर रखी है इसकी। ये वाला जेनवन है मेरे हाथ में, ये वाला कॉपी है। आप देखो फर्क क्या है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा मुझे फर्क नहीं दिख पा रहा। मतलब कि काफ़ी अच्छी इन्होंने कॉपी कर रखी है मार्केट में, डुप्लीकेट की काफ़ी अच्छी कॉपी कर रखी है। देखो इतना डीपली कोई नहीं देखता होता जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर यार गाड़ी की बात है यार, हमारी मेन जानी क्लच प्लेट होती है जिससे हमारी गाड़ी चलती है आगे, है ना। तो अगर यही अगर हम डुप्लीकेट लगवा देंगे, चलने में चल जाती है, अभी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, चलने में चल जाती है, पर लेकिन जैनवन से तो जैनवन होती है ना, इसकी लाइफ अच्छी होती है। बार बार आप अपने लेबर चार्ज दोगे, बार बार क्लच प्लेट फूक जाएगी, फिर कंपनी का फॉल्ट निकालोगे, कंपनी वाले बेकार बेकार है, जैनवन डलवाइए बेकार है। पर जैनवन आपने डलवाई नहीं थी, डलवाई तो आपने डुप्लीकेट थी ना। आप देखो ये फ़र्क है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, बाकी बार आपको मैं क्लच प्लेट भी दिखा देता हूँ। क्लच प्लेट भी अगर आपसे बोलो क्लच प्लेट नहीं दिखाई, तो ये हमारी जैनवन क्लच प्लेट है, तो ये हमारी डुप्लीकेट क्लच प्लेट है। ये कितनी जली हुई सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही चल के आई हो कहीं से। और इसकी इसकी क्वालिटी देखो, जैनवन जैनवन चीज ना मुंह से बोलते हैं जैनवन है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। और हाँ ये तो हमारी थी जैनवन क्लच असेंबली, और सेम अगर आपको ये असेंबली अगर आप लेते हो, 890 रुपये की पड़ती है आपको ये वाली क्लच असेंबली, जैनवन हीरो की कंपनी जैनवन असेंबली, 890 की आपको पड़ती है ये, ठीक है गाइस जैनवन असेंबली। लेकिन मैं आपको एक बात दोबारा बताता हूँ, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं, कोई नया बंदा है उनके लिए जो पहले वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। कोई भी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, सबसे नंबर पहली बात, ठीक है। ये बाहर से लेते हैं, अपने प्रोडक्ट की स्टैंप लगा देते हैं। ये क्लच प्लेट इनकी खुद की घर पर बनाई हुई क्लच प्लेट नहीं है, ना ये क्लच प्लेट है, ना ये सेंटर है, ठीक है, ना ये प्रेशर प्लेट है। ये सिर्फ अपने नाम की स्टैंप लगा देते हैं हीरो, अंदर जो माल होता है वो इनका खुद का नहीं होता, वो अदर ब्रांड का होता है, जो कि ये लिखा हुआ है FCC, ठीक है ये लिखा हुआ FCC। तो गाइस ये क्लच असेंबली हीरो की नहीं है, है तो हीरो जैनवन, मगर ये इन्होंने खुद नहीं खरीदी हुई, इन्होंने इस कंपनी से परचेज कर रखी है। तो ये देखो ये FCC, जो हमारी लाइन के बंदे हैं, टू व्हीलर लाइन के बंदे हैं, वो इस कंपनी को जानते होंगे, वो समझ जाएंगे कि जो मैं बात करने वाला हूँ। एक कस्टमर के लिए बता रहा हूँ मैं बात, कोई अगर कस्टमर है जिसको नॉलेज नहीं है हमारी लाइन की, मैकेनिक लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। ये FCC ही कंपनी है जो, ये देखो ये देखो FCC कंपनी है जो बना के हीरो को सप्लाई कर रही है, ठीक है हीरो को सप्लाई कर रही है FCC कंपनी, ठीक है FCC कंपनी हीरो को सप्लाई कर रही है। तो ये हीरो की जो असेंबली है ये आपको इसलिए महंगी पड़ जाती है क्योंकि ये इस बॉक्स की वैल्यू है, सिर्फ इस बॉक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टैम्प की वैल्यू है, इस हीरो स्टैम्प की वैल्यू, बस अंदर प्रोडक्ट इस कंपनी का डाला हुआ है सारा का सारा, 110%, ठीक है। तो ये अगर आप असेंबली नाम से बाय से परचेज कर लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रेट में डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। 890 की तो ये है, और FCC की अगर आप लेते हो तो सिर्फ 470 की आपको असेंबली पड़ती है, 470 रुपये की असेंबली पड़ती है आपको। ये हब भी आ जाएगा, प्रेशर प्लेट भी आ जाएगी, क्लच प्लेट भी आ जाएगी, मतलब कंप्लीट असेंबली जो कि हम आपको हीरो की दिखा रहे हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू गाइस।